हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। ये फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो शुरू करते हैं लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। इसमें सबसे पहले आता है सिंक होल्स। अब लाइमस्टोन की जो रॉक होती है उसमें क्या होता है, जो पानी है वो ग्राउंड सरफेस से सीप करता रहता है, क्योंकि लाइमस्टोन की जो रॉक होती है वो सॉफ्ट रॉक होती है, उसमें इजीली पानी सीप कर जाता है। जो पानी सीप करता है उसमें लाइमस्टोन का कुछ पोर्शन डिसॉल्व हो जाता है और यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है और धीरे धीरे जो रॉक है उसमें होल्स बन जाते हैं। अब जब ये प्रोसेस ओवर द ईयर ऑफ टाइम, ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत सालों तक चलता रहता है तो ये वाले जो होल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और इन्हीं होल्स को बोलते हैं सिंक होल्स। नेक्स्ट आता है केव्स। अब लाइमस्टोन रीजन में जब पानी सिंक होल के थ्रू बहुत डीप चला जाता है अंदर तक, रॉक में अंदर तक बहुत डीप चला जाता है और जहाँ पे उस पानी को इम्परवियस या हार्ड रॉक नीचे मिल जाती है वहाँ से पानी हॉरिजॉन्टली फ्लो होना शुरू हो जाता है। इम्परवियस रॉक से नीचे डीपर नहीं जाता क्योंकि हार्ड रॉक होती है, उसमें पानी सीप कर नहीं सकता, तो वहाँ से पानी हॉरिजॉन्टली फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो सॉफ्ट रॉक इरोड होकर क्या बनता है, केव बन जाती है। जैसे कि ये कोई रॉक है, इसमें क्या है, यहाँ से सिंक होल के थ्रू पानी अंदर जाएगा, अंदर जाकर सपोज यहाँ पे कोई हार्ड रॉक आ गई तो इस रॉक से पानी क्या होगा, यहाँ से पानी इधर को हॉरिजॉन्टली फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला जो पानी का रास्ता है ये क्या बन जाएगी, एक केव बन जाएगी। नेक्स्ट आता है स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट्स। अब लाइमस्टोन रीजन में क्या होता है, जो केव बनती है उस केव में, अब केव क्या बन कैसे बनती है, ग्राउंड वाटर के थ्रू बनती है, जो ग्राउंड वाटर अंदर सीप कर जाता है। तो उस केव में क्या होता है, उस केव की जो रूफ होती है उस रूफ से पानी सीप करता रहता है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा पानी। अब जैसे लाइमस्टोन की है, अब जो केव बनी है वो केव लाइमस्टोन की बनी है तो उस केव की रूफ से थोड़ा बहुत पानी नीचे टपकता रहता है और वो जो पानी नीचे आता है उस पानी में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे ये सीपिंग होती है तो इसमें क्या होता है, जो पानी होता है पानी तो इवेपोरेट हो जाता है बट जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना वो वहीं पे केव की रूफ पे डिपॉजिट हो जाता है और ये जो डेपोजिशन होती रहती है ये स्लोली स्लोली धीरे धीरे होती रहती है डेपोजिशन नीचे को। तो इससे क्या होता है, इससे जो रूफ होती है रूफ से फ्लोर की तरफ एक कॉलम सा बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन का, जिसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। सपोज ये एक केव है, अब केव की ये वाली जो रूफ है यहाँ से पानी नीचे आता रहेगा टपकता रहेगा तो इसमें क्या होगा, पानी में कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये वाला पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा बट जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना ये एक कॉलम की तरह यहाँ नीचे ऐसे लटकता रहेगा। तो ये वाला जो कॉलम है ना इस कॉलम को बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। अब वाटर ड्रिपिंग होती है, ठीक है, ऊपर से जो रूफ है रूफ से वाटर ड्रिपिंग होती है तो वाटर ड्रिप करता कहाँ पे है, केव की फ्लोर पे गिरता है पानी। अब जो केव की फ्लोर पे जो पानी गिर रहा है उस पानी में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो उसमें क्या है, जो पानी है पानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे जो फ्लोर पे क्या बचेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सेम तरीके से जैसे पहले रूफ से नीचे की तरफ पानी आ रहा था वैसे ही जो हमारी फ्लोर है फ्लोर से रूफ की तरफ ऊपर को एक कॉलम बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, कॉलम बनना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, वो कॉलम थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, स्टेलेगमाइट। अब जैसे कि ये केव है सपोज, इसमें ऊपर से पानी नीचे आ रहा है ना, अब पानी से क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की तो यहाँ पर डिपोजिशन हो गई, अब ये वाला जो पानी है इसमें कुछ पानी नीचे फ्लोर पे भी तो गिरेगा ना तो ये फ्लोर पे भी सेम कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और फ्लोर से ऊपर की तरफ एक कॉलम बन जाएगा और ये जो नीचे वाला कॉलम है इसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट और जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। अब जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट है ये कास्ट टोपोग्राफी के फीचर्स हैं, ये देखने को मिलते हैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट्स में के पामेर ललुका में या फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखने को मिलते हैं और युगोस्लाविया जो कि अभी सर्बिया में है, मॉन्टीनेग्रो, यहाँ पे भी बहुत सारे कास्ट रीजन्स पहले के हैं। नेक्स्ट आता है लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ सी वेव्स। सी वेव से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, इसमें सबसे पहले आता है सी क्लिफ। सी क्लिफ क्या होता है,
अब जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में रॉक्स होती है, तो उस वहाँ पे जो रॉक होती है, जो रॉक का बेस होता है कोस्टल एरिया में, रॉक का बेस धीरे धीरे इरोड हो जाता है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ओशन वेव्स। जो ओशन वेव्स होती है वो बहुत तेज आती है, उसकी वजह से जो रॉक का बेस है वो क्या है, इरोड हो जाता है। तो रॉक के अब पीछे क्या बच जाता है, अब बेस तो इरोड हो गया, तो नोचेस से डेवलप हो जाते हैं रॉक पे। नोचेस मींस कि उसके किनारे से बन जाते हैं, रॉक के पीछे क्या रह जाते हैं, किनारे। अब नीचे से रॉक तो इरोड हो गई, इरोड होने से पीछे क्या बचा, कुछ एजेस ही बच जाएगी रॉक की। तो अब एजेस के ऊपर जो रॉक की क्रेस्ट होगी वो ओवरहैंग करनी शुरू हो जाएगी, ऐसे लग रहा है जैसे लटक रही होती है। तो ये वाली जो नॉचेस होती है रॉक की, वो धीरे धीरे लैंड की तरफ एक्सटेंड होना शुरू हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, अब सी वेव्स तो आती रहेगी, नॉचेस डेवलप होगी और वो धीरे धीरे क्या है, ग्राउंड की तरफ डेवलप हो जाएगी, ग्राउंड लैंड की तरफ आगे बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे फिर जो क्रेस्ट बन रही है, क्रेस्ट गिर जाती है और पीछे क्या बचता है, एक स्टीफ क्लिफ बच जाती है, जो कि सी से थोड़ा दूर बन जाती है। सी से थोड़ा दूर जाकर एक स्टीप क्लिफ बन जाती है, एक सीधा कॉलम सा खड़ा दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं सी क्लिफ्स। नेक्स्ट आता है सी केव्स। अब कोस्टल रीजन में जो रॉक्स होती है, उन रॉक्स में क्रैक्स होते हैं बहुत सारे। अब वो वाली जो क्रैक्स होते हैं, उन क्रैक्स में ओशन का पानी लगातार जाता आता रहता है, ठीक है। ओशन का पानी जैसे वेव्स आती है, ओशन की वेव्स क्रैक्स के अंदर तक जाएगी और वापस आ जाएगी। इससे क्या होता है, जो क्रैक्स होंगे वो वाइडर और वाइडर होते जाएंगे, चौड़े होते जाएंगे, क्रैक्स बढ़ते जाएंगे सी वेव्स की इम्पैक्ट की वजह से। और धीरे धीरे क्या होगा, वो जो छोटे छोटे क्रैक्स थे वो क्या बन जाएगी, छोटी छोटी केव्स बन जाएगी, और उन्हीं केव्स को बोलते हैं सी केव्स। जो सी के अंदर केव्स बनती हैं उनको बोलते हैं सी केव्स। ये वाले जो सी क्लिप्स होते हैं या सी केव्स होते हैं, ये देखने को मिलते हैं श्रीवर्धन, रत्नागिरी, मलबन और वेंगलुरु में। नेक्स्ट आता है बीच। बीच के बारे में तो सभी ने सुना ही होगा, स्पेशली जो हमारे साउथ इंडिया के हैं उन्होंने तो बीचेस बहुत सारी देखी भी होंगी। तो बीच क्या होता है, बीच में क्या होता है, बहुत ही फाइन सैंड होती है, ठीक है। अब जो ओशन का पानी है, जब वेव आती है तो उस वेव के साथ फाइन सैंड और बहुत सारा मटेरियल वो अपने साथ ले आती है और जो सी कोस्ट पे उसको इकट्ठा कर देती है, वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। फाइन सैंड होती है, कुछ और भी छोटा मोटा मटेरियल होता है, ठीक है, उसको क्या सी कोस्ट पे वो लाके डिपॉजिट कर देती है और वही जो सैंड की डिपोजिशन होती है उस डिपोजिशन को बोलते हैं बीच। अब जो कोस्टल रीजन है हमारे साउथ इंडिया में, जैसे महाराष्ट्र में हो गया, गोवा में, केरला में, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बहुत सारी बीचेस देखने को मिलती है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी बहुत सारी बीचेस हैं, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, US हो गया, वहाँ पे भी बहुत सारी बीचेस हैं जो कि हमारे ओशन के पास, जो सिटीज उनके लगते हैं ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, बांग्लादेश के, वहाँ पे बहुत सारी बीचेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ गए सैंड बार। सैंड बार होता है सैंड की ही डेपोजिशन। अब सैंड की डेपोजिशन कैसे होती है, सी के पास कोस्ट पे, कोस्ट पे सी के पास क्या होता है, जब वेव्स आती है तो वो क्या बना देती है, कोस्ट के पास एक नैरो इम्बैंकमेंट बना देती है, ठीक है। जब वेव आई, वेव साथ में बहुत सारा सैंड और बहुत सारा मटेरियल लेकर आती है, तो वो क्या करती है, वो कोस्ट के साथ एक नैरो इम्बैंकमेंट सा बना देती है, उसी इम्बैंकमेंट को बोलते हैं सैंड बार्स। नेक्स्ट है लेगून। लेगून होती है शैलो लेक फॉर्म्ड बिटवीन द सैंड एंड द सी कोस्ट। सी कोस्ट और सैंड के बीच में कभी कभार क्या होता है, एक छोटी सी लेक लेक बन जाती है। शैलो लेक होती है, बहुत डीप नहीं बनती, शैलो सी लेक बन जाती है और उसी लेक को बोलते हैं लगून, या फिर लगून लेक भी बोला जाता है। केरला में इनको बोला जाता है क्याल्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।